आज हम YouTube क्लासेस में सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। आजकल सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग के काफ़ी क्वेश्चन ट्वेल्थ में भी और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आने लगे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग। कार्बोनिल कंपाउंड में बॉन्ड बैक बॉन्डिंग कैसे होती है हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग कैसे होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास में लोन पेयर होता है और इस निकिल या किसी भी मेटल के पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। अब जैसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ब्रेक होते ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब CO में कौन डोनर का काम करेगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए CO का कार्बन स्ट्रॉन्गर डोनर या फिर लिगेंड का काम करेगा। ठीक है, तो अब कार्बन अपना लोन पेयर निकिल की बैक एंड डी ऑर्बिटल्स में भेज देता है। जब ये इसमें भेज देता है तो यहाँ एक बन जाता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड कोई भी बनाए, चाहे वो सिग्मा हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको सिग्मा बॉन्ड ही मानते हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर CO ने अपना लोन पेयर दिया। जब कोई लोन पेयर देता है, जब हम लोन पेयर देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको लिगेंड कहते हैं। तो CO लिगेंड हो गया, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ कि CO में वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, तो CO के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती। तो ये CO क्या करता है, CO की वैकेंट ऑर्बिटल मेटल की फिल्ड डी ऑर्बिटल से, जो हम इससे देख रहे हैं, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लोन पेयर वापस लेता है, जब कोई लोन पेयर लेता है तब हम उसको कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं, लुईस एसिड। और इसने इसको किससे लिया, पाई बॉन्ड से लिया। तो अब CO कैसा लिगेंड हो गया, पाई एसिड लिगेंड हो गया। तो हमने यहां पर क्लियर क्या किया कि CO पाई एसिड लिगेंड क्यों है, क्योंकि ये पहले मेटल को सिग्मा बॉन्ड से लोन पेयर देता है और उसके बाद मेटल से अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल से लोन पेयर लेता है। ठीक है ना, तो देखो क्या हुआ, मेटल और CO के बीच की तो बॉन्ड लेंथ इस पाई बॉन्ड की वजह से कम हो गई, और जैसे ही ये इसके साथ अटैच होगा तो जो CO का बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड वो बदलकर डबल में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि CO जब बैक बॉन्डिंग करता है तो इसके CO के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बोनिल में CO की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है, और ये बॉन्ड काफ़ी या ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है कि मेटल कार्बोनिल में किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो CO की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा तो तब होगी जब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, और सबसे कम कब होगी, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल हुआ तो नेगेटिव होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मेटल कार्बोनिल पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो CO की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, और या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा और नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, या बैक बॉन्डिंग से CO की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है जनरल। ओके, तो हमने क्या सीखा कि निकिल कार्बोनिल में कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन अपना लोन पेयर निकिल की बैक एंड डी ऑर्बिटल में देता है, इसलिए ये लिगेंड हो जाएगा, और उसके बाद ये वापस से अपनी एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। पाई एसिड लिगेंड इसके अलावा NO भी होता है और इथीन भी होता है। ओके,
अब जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं, ये नॉलेज वाली बात है और कॉम्पिटिटिव में काफ़ी काम आता है। जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं मोस्टली EN रूल को फॉलो करते हैं। EN का मतलब होता है कि मेटल के पास में 18, 36, 54 या 86, मतलब इनर्ट गैस के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो EN रूल को फॉलो करेगा। अब हम बैकबॉन्डिंग को मेटल कार्बोनिल के अलावा दूसरे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारे पास ये। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन SP2 होती है और SP2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बोरोन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल होती है और इस वजह से लुईस एसिड का काम करता है, और BCl3 में भी बोरोन के पास में बीक वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है, इसलिए यह भी लुईस एसिड का काम करता है। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर हमको लगता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोरोन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन होता है उल्टा, BF3 हो जाता है कम और BCl3 हो जाता है ज़्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा देखते हैं। फ्लोरीन के पास में जो ऑर्बिटल होती है वो 2p होती है और बोरोन के पास भी ऑर्बिटल 2p होती है, तो फ्लोरीन का लोन पेयर आसानी से बोरोन की वैकेंट d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है और BF3 वीक लुईस एसिड हो जाता है। जबकि BCl3 में क्लोरीन का एनर्जी लेवल 3p होता है और बोरोन का एनर्जी लेवल 2p होता है। हम जानते हैं 3p और 2p की एनर्जी में डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली बोरोन की बैकेंड पी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म नहीं होती या BF3 के कंपैरिजन में कम ख़त्म होती है, तो ये कोशिश करता है किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए BCl3 BF3 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होता है और BVR3 इसके ज़्यादा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CCl3 पॉजिटिव और CF3 पॉजिटिव में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फिर हम यहाँ से देखते हैं, कार्बन के पास में वैकेंट पी ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास फिल्ड पी ऑर्बिटल है, लेकिन क्लोरीन का एनर्जी लेवल 3p होता है और फ्लोरीन का एनर्जी लेवल 2p होता है, तो फ्लोरीन का लोन पेयर कार्बन की वैकेंट पी ऑर्बिटल में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि क्लोरीन का लोन पेयर इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए बैकबॉन्डिंग के अकॉर्डिंग CF3 CCl3 के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो CF3 CCl3 से ज़्यादा स्टेबल होता है, रीज़न क्या, क्योंकि CF3 में बैकबॉन्डिंग CCl3 पॉजिटिव के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है CCl3 नेगेटिव और CF3 नेगेटिव। अब हम इसमें इस कंसेप्ट बैकबॉन्डिंग के कंसेप्ट को अप्लाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किसी में भी हो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो क्लोरोकार्बन अपना नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की वैकेंट डी ऑर्बिटल में भेज सकता है और अपने चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है, जबकि कार्बन का नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के पास डी होती नहीं और पी पूरी भरी हुई है, इसलिए बैकबॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो CF3 में बैकबॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए CCl3 नेगेटिव CF3 नेगेटिव के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। CCl3 CF3 से ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि CCl3 में कार्बन का लोन पेयर क्लोरीन की वैकेंट पी वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ, ये है हमारा ट्राईसिलाइलमीन और ये है ट्राईमिथाइलमीन। अब क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों, तो हम देखते हैं, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था
नाइट्रोजन का लॉन पेयर था, देखो तीन तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर या तो इस सिलिकॉन की बैकेंड डी ऑर्बिटल में, या इस सिलिकॉन बैकेंड ऑर्बिटल में, या इस सिलिकॉन बैकेंड ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा तो एक तो क्या हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात, नाइट्रोजन के पास जब लॉन पेयर है ही नहीं तो इस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तीसरी बात, जब नाइट्रोजन का लॉन पेयर सिलिकॉन के ऑर्बिटल में चला जाएगा तो ये लेस बेसिक हो जाएगा। चौथी बात, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाएगी। क्वेश्चन ये 11th क्लास में या कॉम्पिटिटिव में आता है। अब इधर चलते हैं ट्राईमिथाइलामीन में। ट्राईमिथाइलामीन में नाइट्रोजन के पास में बैकेंड डी ऑर्बिटल होती नहीं है, डी ही नहीं होती, तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर सी के पास नहीं जाएगा। तो जब लॉन पेयर इसी के पास रहेगा तो नाइट्रोजन ने तीन सिग्मा और एक लॉन पेयर रखा हुआ है, इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और स्ट्रक्चर एक लॉन पेयर की वजह से प्लैनर हो जाएगी। और इसका बेसिक नेचर ट्राईसिलाइलामीन से ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन 11th क्लास में या फिर हायर लेवल पर पूछा जाता है। तो ट्राईमिथाइलामीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर पिरामिडल और मोर बेसिक, जबकि ट्राईसिलाइलामीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ये लेस बेसिक होगा और स्ट्रक्चर प्लैनर होगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, ये हमारे कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन में हम इसको बैक बॉन्डिंग से समझेंगे। ये हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन है जबकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कंसेप्ट है जो मैं बताता हूँ कि अगर कार्बोकैटायन के बगल वाले एटम पर लॉन पेयर हो तो उसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा होती है। अब बच्चा पूछेगा क्यों, तो देखो भैया ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है तो वो लॉन पेयर कार्बन के बैकेंड पी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा ही इसमें भी होगा कि इसके पास बैकेंड पी ऑर्बिटल है जबकि इस ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, इसलिए ये कार्बोकैटायन भी इस टर्शियरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कार्बोकैटायन भी टर्शियरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। ये JEE और फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।